अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए दोनों डिवाइस का स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है, खाली कुछ कुछ जगह पर अलग है। सबसे अच्छा जो फैसिलिटी है माइक्रोमैक्स भारत फोन में, आपको डुअल सिम का फैसिलिटी मिलता है जहाँ पर कोई भी सिम लॉकिंग फैसिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलायंस जियो में आपको खाली सिंगल सिम मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पर खाली आप जियो का सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर तक चिपसेट का सवाल है, माइक्रोमैक्स भारत वन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 205 चिपसेट, लेकिन जियो फोन में आपको मिलता है स्पेक्ट्रम का चिपसेट विच इज SC9820A। तो इन दोनों मामले में आई थिंक भारत फोन थोड़ा आगे है। दोनों डिवाइस देखने में काफी आइडेंटिकल है, डिजाइन में ज्यादा कुछ आपको डिफरेंसेस नहीं है। दोनों डिवाइस के टॉप में मिलता है आपका टॉर्च, और जियो फोन का टॉर्च का जो पावर है वो काफी ज्यादा इन कम्पेयर टू माइक्रोमैक्स भारत वन। एकदम बॉटम में देखा जाए दोनों में आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा सिंकिंग पर्पस। उसके साइड में आपको मिलता है 3.5 मीटर हेडफोन जैक, और रिलायंस जियो के फोन के नीचे मिलता है मेन माइक्रोफोन फॉर कॉलिंग पर्पस, जहां पर माइक्रोमैक्स भारत वन का माइक्रोफोन है सामने। बैक साइड में रिलायंस जियो फोन में आपको मिलता है स्पीकर्स, उसके बाद आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल कैमरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक्रोमैक्स भारत वन में कोई भी डेडिकेटेड स्पीकर नहीं है, खाली आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल कैमरा, और इनका जो स्पीकर है जो मेन ईयरपीस है वही स्पीकर के हिसाब से काम करता है। तो दोनों में सबसे पहला जो डिफरेंस देखने में मिलता है विच इज द स्पीकर आउटपुट, क्योंकि रिलायंस जियो का साउंड आउटपुट काफी बढ़िया ड्यू टू द डेडिकेटेड स्पीकर, जहां पर माइक्रोमैक्स भारत वन का स्पीकर आउटपुट या फिर स्पीकर साउंड उतना अच्छा नहीं है। अभी जल्दी से बैक कवर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं रिलायंस जियो का बैक कवर, आप ऐसे ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है बैटरी, माइक्रोमैक्स का भी आपका सेम है तो दोनों को रखते हैं। और ये जो बैक कवर ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पर आपका NFC का टैग मिलता है, क्योंकि रिलायंस जियो फोन में NFC है जैसे आप देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली माइक्रोमैक्स भारत फोन में नहीं है। तो जल्दी से निकालते हैं बैटरी। सो ये दोनों बैटरी आपका सेम है, नथिंग स्पेशल, दोनों में आपको मिलता है 2000 mAh का बैटरी। सो दोनों बैटरी परफॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा, रिलायंस जियो फोन में खाली सिंगल सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट है, जहाँ पर यहाँ पर मेमोरी कार्ड और दो डेडिकेटेड सिम का स्लॉट है। तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो रहा है ये सिम का स्लॉट में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलायंस जियो में कैपिंग है, खाली जियो सिम छोड़ के दूसरा कोई सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऊपर यहाँ पर स्पीकर मिलता है, और माइक्रोमैक्स में स्पीकर भी नहीं मिलता, फ्रंट में आपको स्पीकर मिलता है। अभी दोनों डिवाइस को जल्दी से बूट अप करते हैं, और माइक्रोमैक्स का पहले फीडबैक मिला, रिलायंस जियो का थोड़ी देर बाद मिला, लेकिन रिलायंस जियो का स्क्रीन पहले ऑन हुआ, माइक्रोमैक्स का थोड़ा बाद। तो ऐसे ही आपका है, देखते हैं कितना टाइम लगता है दोनों डिवाइस को बूट अप होने में। तो ये रहा आपका दोनों डिवाइस, लुक एंड फील वाइज काफ़ी बढ़िया, लेकिन ये वाला थोड़ा हैवी है विच इज़ जियो फोन, जहाँ पर माइक्रोमैक्स भारत फोन थोड़ा हल्का है। अगर ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल देखा जाए दोनों आपका प्लास्टिक से बना, लेकिन ये वाला डिवाइस का जो बिल्डिंग मटेरियल इससे अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है फिर इसका जो ग्लास है ये काफ़ी सॉलिड है इन कम्पेयर टू द माइक्रोमैक्स। और हालांकि दोनों फ़ोन, ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा टाइम इस्तेमाल है, और ऊपर जैसे देख पा रहे हो स्क्रैचेस से एकदम भर गया है। सो यहाँ पर अभी तक स्क्रैचेस वैसा नहीं लगा, हालांकि ये भी मैं लगभग 3-4 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ ओपनली, क्योंकि इसमें थोड़ा स्क्रैचेस लगा है, आई डोंट नो वैसा कुछ स्क्रैच प्रूफ ऐसा कुछ है कि नहीं। जहाँ तक बटन्स देखा जाए दोनों का बटन्स एकदम सेम है, यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ बटन है, इसका बटन जो है थोड़ा उठा हुआ है। यूज़र इंटरफेस अगर देखा जाए इसमें आपको इस टाइप का यूज़र इंटरफेस मिलता है iOS का, जैसे नॉर्मली हम लोग नोकिया डिवाइसेस या फिर बेसिक एंड्रॉयड डिवाइसेस में, एंड्रॉयड नहीं सॉरी फीचर डिवाइसेस में देखते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर ऑन स्क्रीन आपका जैसे कुछ लेआउट होता है उस टाइप का ही कुछ लेआउट है। सो यहाँ पर ऐसे होम स्क्रीन का वैसा कोई ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये iOS में चल रहा है, और ये वाला चल रहा है आपका एंड्रॉयड का कुछ लाइटर वर्जन में। यहाँ पर अलर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर जो भी आपका अलर्ट्स आता है यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर अलर्ट्स बोल के नहीं है, यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्विक सेटिंग्स पर जा सकते हैं, ऐसे आपका क्विक सेटिंग्स, और इसका ऊपर दबाने से यहाँ पर आपका क्विक सेटिंग्स आता है कुछ
मैंने एप्पल आईफोन की तरह क्विक सेटिंग्स आपका है। सो यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा अगर ब्राइटनेस बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी आपका सेम है। सो इसको करते हैं बैक, और बाकी अगर यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन बार ऐसे आप जा सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे नोटिफिकेशन बार में आप आ सकते हैं, कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आए तो जैसे कॉन्टैक्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गूगल कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका नहीं है, फिर भी दोनों में मैंने एक कॉन्टैक्ट डाउनलोड कर लिया, लगभग 1500 पर कॉन्टैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है और ये वाला है यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स, तो मैं जल्दी से कॉन्टैक्ट्स ओपन करता हूँ लाइक दिस। सो जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला कॉन्टैक्ट्स बहुत ही जल्दी आपका लोड हो जाता है, और ये वाला कॉन्टैक्ट्स लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। इवन कोई भी कॉन्टैक्ट अगर आपको ढूंढना है या फिर सर्च करना है, जियो फोन में कॉन्टैक्ट्स ढूंढना सर्च करना काफ़ी दिक्कत वाला बात होता है, जहाँ पर माइक्रोमैक्स भारत भवन में कॉन्टैक्ट्स काफ़ी ईजिली निकला। जैसे जल्दी से आपको दिखाता हूँ डायलर, तो दोनों का डायलर मैं दबाता हूँ। सो ये वाला थोड़ा पहले खुला, ये वाला लेट में, तो डायलर भी थोड़ा बहुत स्लो है इस डिवाइस में, मैंने नोटिस किया एक्चुअली। ये वाला डिवाइस का ना परफॉर्मेंस थोड़ा लैगीनेस है, सो वो मैंने नोटिस किया। जहाँ तक अगर डायलिंग पैड का सवाल है, फॉर एन एग्जांपल मैं कंटिन्यूसली टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कैसा टाइप होता है। सो टाइपिंग अगर देखा जाए, दोनों का आपका जो टाइपिंग फीचर्स है उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, दोनों में आपको उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता। इसका तो आपका बहुत स्लो है फीडबैक, उसके बाद बैक बटन भी आपका ये है, ऐसे करके करके फिर आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा, तो इसका भी थोड़ा बहुत जो फंक्शंस है उतना अच्छा नहीं है। इवन इसका जो वॉइस कमांड है वो भी उतना अच्छे तरीके से काम। सो जैसे आप देख पा रहे हो दोनों में आपका 4G वोल्टी है, यहाँ पर आपका फुल टावर अभी दिखा रहा है रिलायंस जियो में, लेकिन यहाँ पर आपका एक या दो टावर है, तो नेटवर्क रिसेप्शन माइक्रोमैक्स के डिवाइस में मुझे थोड़ा कम लगता है भारत भवन में, ये मैंने पहले भी नोटिस किया था। और तो यहाँ पर आपका फुल नेटवर्क दिखा रहा है, यहाँ पर HD है वोल्टी है, मतलब दोनों आपका सेम है। उसके साथ साथ जो बैटरी परफॉर्मेंस भी आपका दोनों डिवाइस में उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लाइक नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, खाली कॉल आना जाना डेटा बंद करके, हालांकि डेटा बंद नहीं कर सकते। और जहाँ तक बैटरी परफॉर्मेंस का सवाल है, दोनों डिवाइस में बैटरी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, एक दिन आपका चल जाएगा। और मैंने इसमें जैसे हॉटस्पॉट है, इसमें तो आपका हॉटस्पॉट नहीं है, तो हॉटस्पॉट ऑन करके मैंने इस्तेमाल किया था भारत वन को, वो लगभग वही 5-5.5-6 घंटे के आसपास ये आपका चला, उसके बाद बंद हो गया जब आप हॉटस्पॉट ऑन करके इस्तेमाल करेंगे। सो जल्दी से जाते हैं आपका सेटिंग्स में, और यहाँ का सेटिंग्स थोड़ा अंदर है जियो का। सो ये वाला दोनों का आपका सेटिंग्स आपका खुल गया है, ये तो आपका काई ओएस है। यहाँ पर आपको लगभग जैसे आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड का सभी आपका जो लेआउट है उस टाइप का मिलेगा। मोड में जाके यहाँ पर थेटरिंग हॉटस्पॉट में पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। उसके साथ साथ सभी टाइप का फीचर्स है, यहाँ पर NFC है, लेकिन माइक्रोमैक्स के डिवाइस में NFC नहीं है। पर्सनल प्राइवेसी लगभग सभी टाइप का आपका सेम है, नथिंग स्पेशल एक्चुअली, मोर ऑर लेस आपका सेम है, लेकिन इसका यूज़र इंटरफेस जैसे आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं थोड़ा ईजियर होता है। उसके साथ अगर आप ऐप्स देखेंगे, जैसे ऐप्स का भी इसी टाइप का आपको कुछ मिलता है। सो मोर ऑर लेस आपका सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और एक दो चीज़ डिफरेंसेस मुझे लगा वो है, जैसे यहाँ पर अगर एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशन में आपको मिलता है फाइल मैनेजर, लेकिन इस डिवाइस में आपका कोई भी फाइल मैनेजर नहीं है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत लेट डाउन है, फाइल मैनेजर नहीं है। और जहाँ तक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सवाल, इस डिवाइस में वैसा कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपका व्हाट्सएप और फेसबुक काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर आपका फेसबुक ही काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है विदाउट एनी इशू। इवन यूट्यूब भी है, यहाँ पर उस टाइप का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, खाली जियो का कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल है। और यहाँ पर आपको APK फाइल सपोर्ट होता है, यहाँ पर आपको APK फाइल सपोर्ट नहीं होता है। और एक चीज़ इस डिवाइस में अच्छा है रिलायंस जियो फ़ोन में, वहाँ पर आपको वायरलेस FM मिलता है, मतलब आप विदाउट कोई भी हेडफोन आप वायरलेस FM इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस डिवाइस में FM इस्तेमाल करने के लिए आपको लगेगा एक हेडफोन, नहीं तो आप FM इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक दो चीज़ है। और जहाँ तक कैमरा का सवाल है, मुझे लगता है रिलायंस जियो का जो कैमरा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है इन कम्पेयर टू द माइक्रोमैक्स का फ़ोन। सो मैं जल्दी से एक बार कैमरा ऑन करता हूँ दोनों का। सो जैसे आप देख पा रहे हो ये है दोनों का कैमरा, लेकिन इसका जो क्लैरिटी है ये काफ़ी बढ़िया है। मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखता हूँ, जैसे ये वाला देख पा रहे हो थोड़ा वाइटिश है, मतलब कलर उतना एक्यूरेट नहीं है, और यहाँ पर देखा जाए कलर काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी क्लियर है। ये दोनों चीज़ में मैंने देखा है कलर का जो मतलब ऑप्शन है वो काफ़ी डिफरेंस है, तो इसका कलर में काफ़ी डिफरेंस है। सो अभी जो आप कुछ फ़ोटोज़ और सैम्पल्स देख पा रहे हैं, ये मैंने क्लिक किया है ये दोनों डिफरेंट फ़ोन से, तो जैसे आपको आइडिया हो जाएगा दोनों का आपका पिक्चर कैपेबिलिटी या फिर कैमरा कैपेबिलिटी कितना अच्छा है। फ्रंट कैमरा का भी परफॉर्मेंस कुछ इस टाइप का है, पर ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है दोनों कैमरा से, और बीच बीच में मैं आपका
साउंड जो है वो मैं स्विच कर रहा हूँ, तो इस टाइप का आपको कुछ वीडियो क्लैरिटी मिलेगा। जहाँ पर ऑन स्क्रीन का सवाल है, ऑन स्क्रीन में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है आपको देखने में, और हल्का फुल्का मेरा सेटअप का आपका छोटा बहुत टूर भी हो जा रहा है। उसके साथ साथ इस टाइप से मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो इस टाइप का कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा इस दोनों डिवाइस से, और इस टाइप का कुछ साउंड क्लैरिटी मिलेगा। फ्रंट कैमरा कुछ इस टाइप का फ्रंट कैमरा वीडियोस आपको मिलेगा, और साउंड भी आपका इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है। और मैं घर के अंदर हूँ, काफ़ी सारा आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन है जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये हल्का फुल्का मेरा सेटअप है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, और कुछ इस टाइप का आपको वीडियो मिलेगा इसके फ्रंट कैमरा से, और साउंड जैसे आपने सुना मैं बीच बीच में स्विच कर रहा हूँ। ये था आपका डिटेल कंपैरिजन बिटवीन दिस टू ब्यूटीफुल डिवाइस विच इज़ 4G वोल्टी फीचर फोन, और इसका जो प्राइस जैसे आपको पता है विच विल कॉस्ट यू 1,500 रुपीज़, लेकिन उसके बाद इसके साथ काफ़ी सारा कैपिंग आता है, 3 साल इस्तेमाल करना पड़ेगा, 153 करके रिचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर आप चाहे तो BSNL का 97 प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, आपके ऊपर। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपका डुअल सिम काम करता है विच इज़ प्रिटी गुड इन फैक्ट। सो आई थिंक मुझे अगर बोला जाए इंस्टेड ऑफ गो फॉर रिलायंस जियो फोन, डेफिनेटली यू गो विद द माइक्रोमैक्स फोन, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कैपिंग नहीं मिलता है, यहाँ पर कैपिंग मिलता है। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द स्पीकर साउंड। रिलायंस जियो में अच्छा है, इसमें आपको स्पीकर साउंड डेडिकेटेड स्पीकर नहीं है, तो फ्रंट स्पीकर आपको इस्तेमाल होता है, स्पीकर साउंड अच्छा नहीं मिलेगा। ओवरऑल यूज़र इंटरफेस मुझे लगता है माइक्रोमैक्स भारत का थोड़ा बेटर है, और उसके बाद अगर माइक्रोमैक्स चाहे तो बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सपोर्ट दे सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो अभी है आपका फेसबुक और व्हाट्सएप भी आपका चल रहा है, जो आई थिंक रिलायंस जियो फोन में पता नहीं कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर काई ओएस है। सो ये कुछ आपका बेसिक डिफरेंसेस था, और होपफुली आपको आइडिया हो गया दोनों डिवाइस में आपका क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत मनी किया, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आई थिंक अगर वो लोग कुछ खरीदना चाहते हैं, आई थिंक दिस वीडियो हेल्प देम टू चूज द राइट वन। तो इस वीडियो में अभी तक लिए इतना है। दिस योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड ऑफ होप, टू सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।